गुड मॉर्निंग, वेलकम एट द ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन प्रोवाइडिंग पोर्टल ऑफ PCC प्राइड कोचिंग क्लासेस जौनपुर IIT JEE और नीट के प्यारे एस्पिरेंट्स, हम लोग वेव ऑप्टिक्स स्टडी कर रहे थे। वेव ऑप्टिक्स में सबसे सुपीरियर टॉपिक है ज़्यादा पार्ट कंट्रोल करने वाला इंटरफेरेंस, और इंटरफेरेंस में हम लोग बेसिक इंटरफेरेंस पढ़ चुके हैं। अब एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा जा रहा था, यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट YDSC। YDSC में पूरा डिस्कशन हो गया है YDSC का। इसकी कुछ खास बातों को फिर से ऐसे रैपिड रिवीजन कर दे रहे हैं, तेज़ी से जल्दी समराइज कर दे रहे हैं पूरी बात को। YDSC में दो लाइट सोर्स होने चाहिए, और ये दोनों कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? सिंगल लाइट सोर्स S से। सिंगल लाइट सोर्स से ही ओरिजिनेट होते हैं ये दोनों लाइट सोर्स। और ये जो डेवलप करने की जो टेक्निक है, उस डिवीजन डेवलप करने की जो टेक्निक है, उसका नाम है डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। कोई पूछता आपसे, अच्छा एक और टेक्निक होती है, उसका भी नाम सुने रहिए, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड होता है और डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। सिंगल लाइट सोर्स से डबल लाइट सोर्स डेवलप करने की जो टेक्निक है, वो वेव फ्रंट से डिवाइड की जा सकती है या एम्पलीट्यूड के डिवीजन से डिवाइड की जा सकती है। यहाँ पर कौन सा डिवीजन इस्तेमाल हुआ है? वेव फ्रंट का। आगे एक और फिनोमेना पढ़ाएंगे हम आपको, कलर इन थिन फिल्म, जो आयल की पतली फिल्म है, तेल की, आपके हाथ पर पतली सी आयल की फिल्म हो, आयल की फिल्म तेल लगा हुआ हो, उसमें भी कलर एक समझ में आता है, वो भी अपना एक स्पेसिफिक शाइनिंग कलर देता है। या ऐसे समझिए, हाथ पर नहीं, लिक्विड के सरफेस पर एक ग्लास पानी हो, उसमें एक बूंद तेल डाल दीजिए, तो लोग देखते ही कहेंगे अरे ग्लास साफ नहीं है, ठीक नहीं है, इसमें तेल पड़ा हुआ है। वो दिखता अपनी के स्पेसिफिक शाइनिंग देता है, अपनी प्रेजेंस को शो करता है। तो जो पतली फिल्म होती है आयल की, उसमें कलर कहाँ से आ जाता है, उसका एक्सप्लेनेशन हम लोग इंटरफेरेंस करेंगे। और किस बेसिस पर? बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, बाय डिवीजन ऑफ। और यंग डबल स्लिट किस पर बेस्ड है? बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, तरंगाग्र की विभाजन और आयाम की विभाजन। ये तरंगाग्र की विभाजन है। वेव फ्रंट, वेव माने तरंग और फ्रंट माने आगे जो चले, जो आगे आगे चलता है रेखे, उसी को वेव फ्रंट हम लोग बोलते हैं। अभी हाइगेन की थ्योरी में वेव फ्रंट के बारे में काफ़ी चर्चा होगी। बस याद रखिएगा, YDSC इज बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। अब YDSC क्या प्रूव करता है? लाइट का कौन सा नेचर? वेव नेचर। लिखा जाए कुछ खास बातें, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको ऐसे दर्शा रहे हैं, शो कर रहे हैं। पहला, इन YDSC, पूरा नाम तो आप जान ही गए हैं, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग का द्विक रेखा छिद्र प्रयोग। इन YDSC बोथ लाइट सोर्सेस S1 एंड S2 आर ऑब्टेंड बाय डिवीजन ऑफ, फिर से बता दीजिए, वेव फ्रंट की एम्पलीट्यूड, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। और कलर इन थिन फिल्म कैसे ऑब्टेन किया जाता है, किस तरह से इंटरफेरेंस वहां प्रोड्यूस करते हैं? बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट है, बाई YDSC
वेव नेचर ऑफ लाइट इज प्रूव्ड या इज वेरीफाइड, वेरीफाई हो जाता है, प्रूव हो जाता है। ये खास बात है जिस पर आपको ध्यान देना है। किस तरह की लाइट इस्तेमाल करनी चाहिए, किस तरह की, मोनो की पाली मोनोक्रोमेटिक। अगर बाय द वे बाइक्रोमेटिक लाइट इस्तेमाल कर लेते हैं तो फ्रिंजेज अलग अलग कलर की, वहाँ पर दोनों कलर की तब फ्रिंज बनना शुरू हो जाएगी। अब फ्रिंज ब्राइट वाला अगले वाले को ब्राइट से मैच भी कर सकता है, नहीं भी मैच कर सकता है। तो सेकंड लिखते हैं वो थर्ड, गुड कंट्रास्ट के लिए क्या कंडीशन है जी? कंडीशन फॉर गुड कंट्रास्ट इन YDSC क्या है कंडीशन? एम्पलीट्यूड दोनों का सेम हो, और एम्पलीट्यूड सेम हो तो उसका मतलब इंटेंसिटी भी सेम रही होगी, I1 = I2। नोट हुआ? सबसे ज्यादा जो चमकीला बनता है फ्रिंज वो कहाँ पर बनता है? सेंटर बनता है कि और जगह बनता है? हर जगह सेम इंटेंसिटी होती है, सुन लीजिए आप कान खोल के, हर जगह सेम इंटेंसिटी होती है, याद रखेंगे। इंटेंसिटी भी सेम होती है और फ्रिंज विड्थ भी सेम होती है, इंटेंसिटी और फ्रिंज विड्थ दोनों सेम होती है। चलिए लिखिए, ये छोटी शेडिंग है, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, कर्व देख कर भी आप समझ जाएंगे इंटेंसिटी कैसे स्क्रीन पर डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। हाईली इंटेंस सेंट्रल ब्राइट नहीं, सभी ब्राइट की इंटेंसिटी सेम, सभी डार्क वाले की इंटेंसिटी मिनिमम और मिनिमम में भी सेम। अपना वाई एक्सिस के लांग इंटेंसिटी शो कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के लांग हम पोजीशन शो कर रहे हैं, डिस्टेंस को, या डिस्टेंस न शो करके अगर एंगल शो करना चाहें आप फाई को भी ले लीजिए। तो सेंटर में मैक्सिमा मैंने इसका पी कैसे ऊपर उठाते हैं, और इसकी इंटेंसिटी क्या बोल दे रहे हैं आई नाट, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, और सभी मैक्सिमा वाले एक हाइट देख रहे हैं, हाइट इसके वर्टेक्स जो शिखर हैं सेम हाइट तक उड़े हैं, सेम हाइट तक गए हैं, सब देख रहे होंगे आप लोग। अभी डायफ्रेक्शन आगे पढ़ना है, लेकिन कर्व से पहचान हम अभी तुरंत करा देंगे, कर से पहचान तुरंत हम करा देंगे आप। ये पीक सबके सेम है, लीजिए स्केल रख करके मिला के दिखा भी दिया आपको, सबकी इंटेंसिटी क्या है जी आई नॉट। ये क्या है? डार्क है, ये डार्क है, ये ब्राइट है, वो वाले पर सेंट्रल ब्राइट मिला है, ये डार्क वन है। और कब मिलेगा डार्क? जब फाई की वैल्यू क्या हो पाई हो। कब मिलेगा डार्क? जब फाई की वैल्यू क्या हो थ्री पाई हो, देख रहे हैं ये फाइव पाई हो। डार्क कब मिलेगा? माइनस पाई पर, माइनस थ्री पाई पर, माइनस फाइव पाई पर।
समझिए एक बात, ये क्या है, इसके रिस्पेक्ट जो पॉइंट पड़ रहा है यहाँ पर 2 पाई इंटेंसिटी मैक्सिमम कहाँ मिल रही है, जैसे पॉइंट बिना हाथ पाँव हिलाए से बताइए मैक्सिमम कहाँ मिल रही है, सेंटर पर, और कहाँ मिल रही है 2 पाई के रिस्पेक्ट, देखिए कर्व यहाँ तक उड़ा है 2 पाई के रिस्पेक्ट, और कहाँ इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगी 6 पाई पर, बोले और कहाँ मिलेगी 8 पाई पर, समझ रहे होंगे। और मैक्सिमम के लिए एक कंडीशन भी था, फाई इक्वल टू क्या लिखे थे आप 2n पाई, यहाँ पर n क्या होता था 0, 0, 1, 2, 3 ऐसे चलता था, जब 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 रखेंगे अगर तो क्या आ जाएगा 0, और 1 रखेंगे तो 2 पाई, 2 रखेंगे तो 2, 2 जा 4, 4 पाई, आ रहा है कि नहीं, ऐसे आ रहा है, तो 0, 2 पाई, 4 पाई, 0 पर 2 पाई पर 4, 4 पाई रहेगा जी, यहाँ 4 पाई, यहाँ क्या रहेगा 6 पाई। उसी तरह पीछे आ जाए, ये कितना है -2 पाई, ये कितना है -4 पाई, समझ रहे होंगे। और इंटेंसिटी सबकी I0 ही है, सबकी इंटेंसिटी सेम है। अच्छा, अगर इस तरह से कर्व बने, सेंटर की ज़्यादा हो, ऐसे जरा देख लीजिए, जो भी नहीं पढ़ना उसको बता दें, ऐसे इस तरह से फिर डिक्रीज करती चली जाए, एकदम डिक्रीज करके जिए, तब ये किसका कर्व होता है, डायफ्रैक्शन का, किसका कर्व है डायफ्रैक्शन में, सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी ज़्यादा, बाकी अदर की, ये भी मैक्सिमा है लेकिन ये अदर मैक्सिमा है, दूसरा तीसरा मैक्सिमा चौथा मैक्सिमा, सभी मैक्सिमा की इंटेंसिटी डिक्रीज करती जाती है जैसे जैसे आर्डर बढ़ता है, और यहाँ पर आर्डर चाहे जितना बढ़ा लीजिए मैक्सिमा है तो सभी मैक्सिमा एक साथ, सभी मैक्सिमा सेम हाइट तक है, समझ पा रहे हैं नहीं, यानी ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी सेम रहती है हमेशा, डार्क वाले की भी सेम रहती है। अच्छा ये बताइए, एंगल तो बहुत हो सकते हैं, जैसे हम पूछें कि बताइए फिगर बिना छुए से पूछ रहे हैं दूर से, बोले 3 पाई पर ब्राइट फ्रिंज बन रही है कि डार्क फ्रिंज, 3 पाई पर, हाँ डार्क, क्योंकि कर्व डाउन हो गया है डार्क, बोले 4 पाई पर डार्क बन रहा है कि ब्राइट, ब्राइट, -2 पाई पर क्या हाल है, ब्राइट, फाई की वैल्यू 0 यानी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में क्या ख्याल है आपका, ब्राइट, उसी को सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बोलते हैं या सेंट्रल मैक्सिमम, चलिए ठीक है, जिसका मतलब देख के समझ जा रहे हैं, कुछ और भी जरा सोचिए, 60 डिग्री यानी पाई बाई 3 पर क्या हाल है, पाई बाई 3 पर इंटेंसिटी होगी कि नहीं होगी, मैक्सिमम होगी कि मिनिमम होगी कि दोनों के बीच में होगी, तो चेक करिए, ये तो पाई है, और पाई बाई 3 माने 60, पाई मतलब 180 और 60 मतलब ये यहीं कहीं होगा, इसके रिस्पेक्ट में इंटेंसिटी लगभग इतनी होगी, यहाँ पर कर कुछ हुएगा अगर इसे डॉटेड डेसिमल आए तो, है कि नहीं, 90 पर क्या हाल है, पाई बाई 2 पर, पाई बाई 2 माने पाई, पाई और 0 के बीच में जस्ट मिड में इंटेंसिटी लगभग यहाँ पर टच करेगी, ब्राइट ही होगा, या प्योर ब्राइट या प्योर डार्क आप नहीं बोले उसकी इंटेंसिटी निकालना पड़ेगा आपको, समझ रहे हैं नहीं, यानी पर्टिकुलर जो पॉइंट मार्क किए गए उस पर आप साफ साफ बता ले रहे हैं, अदर पॉइंट पर जब पूछा जाए तो वो आपके लिए अच्छा क्वेश्चन बनेगा। अब ऐसे क्वेश्चन को तोड़ने का प्रयास करते हैं, ये ग्राफ बन गया, अब हम लोग देखते हैं जो पर्टिकुलर वैल्यूज शो की गई हैं 0 पाई 2 पाई 3 पाई ऐसे रेगुलर वे में, उसके अलावा अगर कोई वैल्यू रहे तब कैसे आप निकालेंगे इंटेंसिटी क्या, फिर से एक बार हो जाए, पाई पर बताइए इंटेंसिटी कितनी है 0, 2 पाई पर इंटेंसिटी क्या है I0 है, 3 पाई पर इंटेंसिटी, 3 पाई पर इंटेंसिटी छू दिया 0, 4 पाई पर इंटेंसिटी एकदम ऊपर उठ गया I0 है कि नहीं, बोलिए -5 पर क्या है इंटेंसिटी 0, -4 पाई पर इंटेंसिटी है यहाँ पर मैंने यहाँ पर कर I0 है कि नहीं। अब अगली हीटिंग डाला जाए,
चलिए देखिए, कंजर्वेशन आप एक छोटा सा आर्टिकल इसको डील कर लें, फिर एनर्जी इन इंटरफेरेंस, एनर्जी का कंजर्वेशन इंटरफेरेंस में होता है कि नहीं? होता है ना, एनर्जी कंजर्वेशन अगर कहीं जहां आपको जानकारी ना भी हो तो वहां भी बोल देंगे एनर्जी कंजर्वेशन होता है। टोटल एनर्जी हर फिनामिना में कंजर्व रहती है। चलिए यहां भी होता है, यहां थोड़ा संदेह था इसलिए लिखवा रहे हैं। संदेह किस बात का था? जो नेट इंटेंसिटी आती है आई वन आई टू के सम से ज्यादा आती है। लिखिए वी नो नेट इंटेंसिटी इन इंटरफेरेंस इज गिवन बाय, किस फार्मूले से दिया जाता है? यही तो एकमात्र फार्मूला है, आई वन प्लस आई टू प्लस टू अंडर रूट आई वन इंटू आई और बाहर कॉस फाई। ये फार्मूला देख रहे हैं नहीं? इसमें ये पूरा पार्ट क्या है, इसका नाम क्या है? टू अंडर रूट आई वन आई टू कॉस फाई, यही इंटरफेरेंस टर्म कहलाता है। यही इंटरफेरेंस डेवलप करता है, इंटेंसिटी को बढ़ाता घटाता है। खाली यही इतने पार्ट रहता है आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू, कहाँ इंटेंसिटी बढ़ती घटती तो फिक्स है, लेकिन ये फाई की वजह से जैसे जैसे स्क्रीन पर आगे आप बढ़ते हैं वैसे इंटेंसिटी डाउन अप ऐसे होती जाती है। इसी का नाम क्या है? इंटरफेरेंस टर्म। यहाँ पर टू अंडर रूट आई वन इंटू आई टू इंटू कॉस ऑफ फाई, इसका नाम क्या है? इंटरफेरेंस टर्म। इंटरफेरेंस टर्म केवल फाई क्या है? फेज डिफरेंस। चलिए एवरेज निकालते हैं, एवरेज इंटेंसिटी। ये जो इंटेंसिटी है इंस्टेंटेनियस है, तात्कालिक है, किसी पर्टिकुलर टाइम पर है, पर्टिकुलर पोजीशन या पर्टिकुलर फेज पर है। ये एवरेज इंटेंसिटी कैसे निकाला जाता है? एवरेज निकालना, इंटेंसिटी छोड़िए, हम 10-20 फार्मूले ऐसे फिर बता देते हैं। जैसे हमारा मन कर रहा है एवरेज वेलासिटी निकालने का, पढ़ चुके हैं फिर से याद कर रहे हैं। तो एवरेज वेलासिटी निकालने का तरीका है कि आप बिना जाने सुने इंटीग्रेट कर दीजिए वीडीटी, अब फिर लास्ट पश्चाताप करिए, भूल क्या हो गई? वेलासिटी इनटू टाइम, ये तो डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करेगा। इंटीग्रेट करेंगे तो भाई बड़ा डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। भूल हो रहा है कि नहीं? तो भूल का पश्चाताप कैसे करते हैं? जिस नए टर्म के रिस्पेक्ट में आप जल्दबाजी में आकर के इंटीग्रेशन किया है उसी के इंटीग्रल से डिवीजन लीजिए डीटी। आसान लगा? फिर से वेलासिटी का एवरेज निकालना है, इंटीग्रल मनमानी ऐसे वीडीएस डिस्प्लेसमेंट के टर्म में कर दें मनमानी ऐसे, तो नीचे किससे डिवीजन लेंगे? इंटीग्रल डीएस। ऐसे ही आप आ गए ऐसे चढ़ा बढ़ा करके, कोई आपसे काम करवा लिया डी थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में आपने कर दिया तो नीचे क्या करेंगे? भूल के पश्चात आप किससे डिवीजन लेंगे? इंटीग्रल डी थीटा से। समझ गए कि नहीं? ये तरीका है, मैंने कई फार्मूला लिए, जैसे वेलासिटी का है जो जिसका एवरेज निकालना है उसी क्वांटिटी का इंटीग्रेशन कर दीजिए, और जिस लेटर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना उसे डिवीजन, उसी की इंटीग्रल से डिवीजन, उसी की इंटीग्रल डिवीजन। आसान हो गया कि नहीं? और लोगों के लिए एक फार्मूला सीखेंगे टफ लगेगा, आप छट सीख लीजिए इसी तरह से। तो हम इंटेंसिटी लिखने चल रहे हैं, एवरेज इंटेंसिटी आई एवरेज, जरा मदद करिएगा, ऐसे लिख दें आई इंटू डी फाई लिख दें क्या, और नीचे किससे डिवीजन? तब तो आप लोग पकड़ लिए पूरा फार्मूला है, आसान हो गया। नहीं फार्मूला रटने जैसी फीलिंग आती, भाई रट रहे हैं मेहनत करके, 10-20 फार्मूला ऐसे लीजिए। चलिए और कंप्लीट साइकिल के लिए, पूरे चक्र के लिए देखना है तो यहाँ पर लिमिट क्या लगाएंगे? जीरो से कंप्लीट के लिए 2π, जीरो से अपर लिमिट 2π। अच्छा ये डी फाई का इंटीग्रल फाई होगा और लिमिट जब रखेंगे तो 2π और माइनस जीरो, आंसर क्या आ जाएगा? 2π केवल।
ये हो गया आपके लिए डिनोमिनेटर में 2 पाई, नीचे वाला मैटर आसान हो गया। इधर जरा देखिए, जीरो से जैसे आपसे कोई कहे आप बायो के स्टूडेंट हैं, लेकिन इंटीग्रेशन एकदम तत्काल जवाब दीजिए, 2 से 3, खाली डी एक्स है 2 से 3, इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। डी एक्स 3 से 10, इसका आंसर क्या आ जाएगा 7। ऊपर वाले में नीचे वाले सबट्रैक्ट कर दीजिए, लेकिन जब डी एक्स रहेगा तब, जैसे ये डी थीटा है, डी थीटा 5 से 15, इसका आंसर कितना आ जाएगा 10। आसान है कि नहीं? तो वही हाल यहाँ, डी फाइव था, 0 से 2 पाई था, तो ऊपर वाले में नीचे वाले सबट्रैक्ट करिए, घटा दीजिए, 2 पाई ही तो आएगा, वही लिखे नहीं। ऐसे हल्की हल्की चीज़ें आप जान लीजिए, आई इंटू डी फाइव, दिस विद इक्वेशन नंबर 2, यही आई को वैल्यू उठा कर रख लीजिए, काम बन जाए। इक्वेशन 1 से आई की वैल्यू आप प्लेस कीजिए, साइन की इंटीग्रल जानते हैं कि नहीं? साइन की इंटीग्रेशन होता है माइनस कास, लेकिन कास की इंटीग्रल साइन, पूरा पूरा साइन। आइए देखिए, आई एवरेज हो जाएगा आपके लिए 1/2π, और यहाँ आई की वैल्यू रखने चल रहे हैं, इंटीग्रल 0 से 2π है, i1 + i2 + 2√i1 × i2 बाहर cos फाई, और ये डी फाई। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 0 नहीं होता, डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। कांस्टेंट अगर है तो उसमें जिसके रिस्पेक्ट करें वही लेटर एक्ट लग जाता है। जैसे कहा जाए 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा, कह दीजिए 5x। 10 की इंटीग्रेशन क्या होगा, कह दीजिए 10x। आसान है कि नहीं? कोई कहे खाली 1 की इंटीग्रेशन, 1 की इंटीग्रेशन माने खाली डी एक्स ही है, तो इसका x है कि नहीं? ठीक, ये सब चला के हम लोग समझते हैं। 1/2π बोले i1 की इंटीग्रेशन क्या होगा, चलिए ऐसा कर दें i1 फाई लिख दें, i2 का i2 डी फाई है ना, i2 फाई प्लस इसका 2√i1 × i2, और cos फाई क्या बोलने वाले हैं आप, चलिए हम भी लिख दे रहे हैं साइन फाई ब्रैकेट क्लोज, जो ये टेढ़े वाले साइन को ऊपर नीचे लगाए थे, अब यहाँ ब्रैकेट को ऊपर नीचे लगा दी, लिमिट वही पुरानी 0 से 2π। लिमिट कैसे ओपन करते हैं भाई, पहले कौन सी लिमिट और फिर माइनस साइन लगाने के बाद लोअर लिमिट। चलिए अब हो जाए, वैल्यू रखिए, तो ये आ जाएगा आपके लिए 1/2π, और यहाँ अपर लिमिट रखेंगे तो i1 × 2π, i2 × 2π होगा प्लस 2√i1 × i2, असाइन 2π, 2π मतलब 360 होता है जी, असाइन 2π वैल्यू क्या 0। और जरा देखिए लोअर लिमिट रखेंगे तब, यहाँ रखेंगे 5 जगह 0, तो 0, ये भी 0, असाइन 0 की वैल्यू भी 0, तो लोअर लिमिट रखने पर कोई फायदा नहीं, सब 0-0 हो जाएंगे। अब अपर लिमिट रखने पर कुछ फायदा तो हुआ, लेकिन ये यहाँ नहीं फायदा हुआ, साइन 2π की वैल्यू भी 0। ये पार्ट समाप्त, इन दो पार्टिकल बचे हैं, इन दोनों में से क्या बाहर ले सकते हैं आप, कितना 2π, तो बचेगा क्या, जब 2π बाहर उठा लिया तो बचा क्या, यही बचा, क्या आया आई एवरेज, ये इंडिविजुअल वेव की जो इंटेंसिटी थी उसके डायरेक्ट सम की इक्वल आ रहा है, आई एवरेज इक्वल टू i1 + i2। ये शो करता है कि एनर्जी कहीं गई नहीं है, फालतू में आप चिंता कर रहे थे, नेट जो एनर्जी है जो इंस्टेंटेनियस वो भले बढ़ती घटती नजर आए, लेकिन एवरेज वाला सेम रहता है, हमेशा i1 + i2 ही रहता है। नोट करिए, 10 कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी
holds good in interference टू, टी डबल ओ लिख रहे हैं, इंटरफेरेंस में भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कायम रहता है, कभी बदलेगा नहीं। इक्वेशन टू तक हटा दें, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का जो वीडियो है एक बार आप लोग जरूर देखिएगा, जरूर जरूर आज ही सब लोग देख लीजिएगा फिर से, न देखने का मन करे चला करके वॉल्यूम कम करके ऐसे उल्टा करके रख दीजिएगा मोबाइल चार्जिंग लगा करके, ऐसा करिएगा ना सब लोग कीजिएगा। देख लेंगे तो और फायदा ही रहेगा, नहीं देखेंगे तब भी किसी न किसी का फायदा होगा ही, है ना, चला करके इसे रख दीजिएगा। चलिए, अच्छा आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई इससे फायदा तो सर का होना है ना, इनका चैनल प्रमोट करेगा, इसलिए कुछ लोग नहीं करना चाहेंगे ना। चलिए, अब सीखते हैं इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन YDS, ये काफी इंपॉर्टेंट रीडिंग है। हम लोग इंटेंसिटी एनी पॉइंट पे नहीं निकाले हैं, पार्टिकुलर पॉइंट पर, विशेष पॉइंट पर निकाले हैं, जीरो पर I नॉट, पाई पर जीरो, टू पाई पर I नॉट, थ्री पाई पर जीरो, यानी केवल कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव जिस पॉइंट पे अकर करता था केवल उसी पॉइंट पर ऐसे दिखा पाए। अब जनरल पॉइंट निकालने की बात हो रही है, इसी पर आपके यहाँ क्वेश्चन आने, ये इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट। अब इसमें ये सपोज कर ले रहे हैं कि जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो आई नॉट है, मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी है आई नॉट, और सभी की मैक्सिमम इंटेंसिटी आई नॉट सेम होती है, तो किसी एक जगह बोल दीजिए कह दीजिए सेंट्रल मैक्सिमम इंटेंसिटी आई नॉट है, लेट इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बी आई नॉट, इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बी आई नॉट, एंड इंटरफियरिंग वेव्स हैव लाइट, ही लिख रहे हैं लाइट है सेम इंटेंसिटी, सेम इंटेंसिटी I1 equal to I2 लिख दे रहे हैं, देन इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट क्या फार्मूला लिखें, I इक्वल टू वही मेन फार्मूला
आई वन प्लस आई टू प्लस टू अंडर रूट आई वन आई टू और इंटू कॉस ऑफ, ऐसा होगा। आई वन और आई टू सेम है आज, आई वन आई टू सेम है, तो जहाँ जहाँ आई टू है वहाँ भी आई वन ही रखिए, जहाँ आई टू वहाँ आई वन ही रखिए, एक लेटर रखिए आप, या आई वन की जगह आई टू ही रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चेंजिंग एक करिए। तो क्या प्लान है, आई टू प्लेस पर आई वन रख दें, आई वन को बना रहने दीजिए आई वन में ही, आई टू प्लेस पर भी आई वन रख देते हैं। पुटिंग आई टू इक्वल्स टू आई वन वी है, तो ये आपके लिए नेट इंटेंसिटी आई आ जाएगी, आई वन प्लस एक आई वन और प्लस टू, और आई वन दो बार रूट में, आई वन इंटू आई वन, एकदम देखिए बात कितने पक्के हम लोग, ये कितना हो गया जी टू आई वन हुआ, और ये कितना हुआ टू आई वन से कम दिख रहा है क्या आपको, इसको तो टू आई वन बोले, ये भी टू आई वन बोलिए, बताइए होल में से क्या बाहर ले लें, पूरे में से क्या कम है, टू आई वन, तो वन प्लस कास फाई आ गया, वन प्लस कास ऑफ फाई, इसको थोड़ी देर के लिए आराम करने दीजिए। कास फाई का ऐसा फार्मूला आप फीड करिए कास टू थीटा वाले या कास टू ए वाले पैटर्न पर, जिससे वन गायब ही हो जाए, आता हो तो बोल दीजिए, नहीं आता हो तो ये बोलिए। कास टू थीटा फार्मूला होता है, कास टू थीटा है टू कास स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये जो एंगल के साथ टू लगा होता है बाहर ले लेते हैं और स्क्वायर करने के बाद माइनस वन करते हैं, समझ पाए, विच इम्प्लाइज इसी पैटर्न पर इसी तर्ज पर यहाँ अपनी जरूरत पूरा करिए, कास केवल फाई लिखना हो तो टू बाहर कीजिए, यहाँ टू थीटा था तो यहाँ आधा हुआ एंगल, टू कास स्क्वायर क्या लिख देंगे आधा, फाई का आधा फाई बाई टू और माइनस वन, समझ रहे होंगे बात को, टफ नहीं लगना चाहिए। फार्मूला देखिए ब्रांडेड दिखाया हमने, फिर उसी की मदद से जो आज जरूरत है उसकी वैल्यू हम लोग निकाल लिए, अपनी जरूरत को पूरा कर रहे हैं। ये इक्वेशन टू का इस्तेमाल करिए इक्वेशन वन में, अभी फार्मूला तो बहुत मज़ेदार आएगा, वो याद करना ही करना है। बुधवार को टेस्ट है, टाइमिंग वही रहेगी 12 से 3, 12 से 3 ही ना, तो आप चाहें तो पढ़ने के बाद अपना टेस्ट दे दीजिएगा, क्लास भी चलाना चाहें क्लास भी चल जाएगी, जैसा आप लोग की इच्छा हो। क्या चाहते हैं, क्लास चल जाए, बताइए बोलिए, ये चलिए टेस्ट ही दीजिएगा आप लोग, एकदम सेट टाइम पे आइएगा 12 बजे, 12 से 3 तक टेस्ट दीजिएगा, फिर घर जाइए, है ना, हाँ नहीं कुछ लोग बैठना पड़ जाएगा ज़्यादा, और फिर सुबह से आप लोग बिना खाए पिए आएंगे, और जो तैयार करके आएंगे फोकस किए रहेंगे रे ऑप्टिक्स पर, यहाँ वेव ऑप्टिक्स, तो पढ़ना आपका यहाँ वाला थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन आपको वहाँ रहेगा। चलिए देखिए, इस्तेमाल करिए यूजिंग इक्वेशन टू इन इक्वेशन वन, वी हैव, रखिए वैल्यू, नेट इंटेंसिटी जो जनरल पॉइंट पर होगी किसी पॉइंट पर टू आई वन और क्या वन प्लस कास फाइव, वैल्यू देख लीजिए क्या रखने वाले, टू कास स्क्वायर फाई और माइनस वन, अच्छा फाई बाई टू, टू कास स्क्वायर फाई बाई टू माइनस वन, तो वन तो कैंसिल हो गया, क्या आया ये फोर आई वन, नेट इंटेंसिटी हो गई आपके लिए फोर आई वन और कास स्क्वायर फाई बाई टू, ऐसा
इसको अभी फिर से एक बार आराम करने दीजिए, दिस विद द इक्वेशन नंबर थ्री। अभी सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी का कहीं यूज नहीं किए, इस सेंटेंस में दिया गया सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी कितनी है, आई नॉट। और सेंट्रल मैक्सिमा के लिए बताइए, जो पर्दे पर सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा था, जैसे ये दो स्लिट हमने तैयार किया S1 और S2, इनके बीच गैपिंग डी है, चलिए यही तो सेंट्रल मैक्सिमा वाला पॉइंट था। तो सेंट्रल मैक्सिमा के लिए बताइए, S1 से जल्दी लाइट पहुंचेगी कि S2 से जल्दी लाइट पहुंचेगी, कि दोनों से सेम पहुंचेगी, सेम टाइम, दोनों में पाथ की लेंथ कौन किसको ज़्यादा चलना पड़ेगी, S1 वाले को कि S2 वाले को, सेम। तो पाथ का डिफरेंस है, पाथ का डिफरेंस नहीं है तो टाइम डिफरेंस भी नहीं, फेज डिफरेंस भी नहीं, फेज डिफरेंस नहीं और नहीं माने जीरो फॉर सेंट्रल मैक्सिमा, फॉर सेंट्रल मैक्सिमा फाइ इक्वल टू क्या लिखेंगे जी, जीरो। अब इक्वेशन थ्री का नया चेहरा क्या हो जाएगा, जरा समझिएगा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन थ्री आई इक्वल टू क्या लिखें, 4i1 और कास स्क्वायर, ए जीरो रख रहे हैं, तो 0/2 माने जीरो है, अब कास जीरो को वैल्यू तो क्या बचा, बोलिए 4i1। और याद कीजिए सेंट्रल मैक्सिमा की जब बात आएगी इंटेंसिटी आई मत लिखिए, आई नाट दिया, इसीलिए हम लोग आई प्लस पर आई नाट रख दिए, आई प्लस पर आई नाट रखें, सही है कि नहीं, हो गया काम बन गया। अब 4i1 जहां दिखे उसके प्लेस पर खूब आराम से आई नाट रख सकते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन रिजल्ट आ गया, वी हैव क्या मिला भाई, आई इक्वल्स टू आई नाट और इंटू कास स्क्वायर 5/2। बहुत छोटा सा नन्हा सा फार्मूला आया है, किसी जनरल पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या आएगी, आई नाट कास स्क्वायर 5/2, दिस विद रिक्वायर्ड रिजल्ट। लेकिन शर्त जरूर याद रखिए, कंडीशन क्या है, एक ही सूरत में ऐसा होगा जब एम्पलीट्यूड दोनों के सेम है, जब इंटेंसिटी दोनों के सेम हो, I1 equal to I2 माने A equal to B रहा होगा, यानी गुड कंट्रास्ट के लिए ही ये रिजल्ट है। ये कब अप्लाई होना है, गुड कंट्रास्ट वाली कंडीशन, गुड कंट्रास्ट वाली कंडीशन क्या है, A equal to या I1 equal to I2 होना चाहिए। इंटरफेरेंस में दोनों लाइट सोर्स कैसे ऑब्टेन किए जाते हैं, बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट की एम्पलीट्यूड, वेव फ्रंट। और कलर इन थिन फिल्म के लिए एक्सप्लेनेशन के लिए सिंगल लाइट सोर्स से दो लाइट सोर्स कैसे ऑब्टेन किए जाते हैं, बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। अभी बताए नहीं, अभी क्यों लिखवाए नहीं है, सुनकर हम लोगों की याद है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या प्रूव करता है, लाइट के अंदर कौन सा बिहेवियर है, वेव का। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में किस तरह की पट्टियों की चौड़ाई, किस तरह की फ्रिंज की विड्थ ज्यादा होती है, ब्राइट की डार्क की, दोनों की सेम होती है, कितनी होती है फ्रिंज विड्थ, लैम्डा इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, है ना। एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या होता है, लीनियर फ्रिंज विड्थ W इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, और एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या होता है, लैम्डा बाई डी, कैपिटल डी हटा देते हैं, या W बाई डी से आया था, है कि नहीं आया, ये था लैम्डा बाई डी, लैम्डा कैपिटल डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो लीनियर फ्रिंज विड्थ, और कैपिटल डी हटा देंगे और लैम्डा बाई डी रहेगा तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ। ये सब कॉपी में लिखवाएं, खाली इसे रिमाइंड करा रहे हैं। चलिए Mm-hmm.
देखिए, अब कुछ अच्छे प्रॉब्लम पर आते हैं हम लोग। लिखिए, इन YDSC इफ इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बी आई नॉट, कोई खास बात नहीं, आई नॉट हम लोग सपोज भी करते थे, यहां भी वही दिया गया है, बी आई नॉट देन फाइंड आउट इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन स्क्रीन, एनी पॉइंट ऑन स्क्रीन। Which is at distance lambda by 3 from central maximum. यही है, नहीं थोड़ा सा मिसिंग हो गया जी। विच इज एट पाथ डिफरेंस लिख लीजिए, पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 3, जिसका पाथ डिफरेंस कितना है लैम्डा बाई 3, ये चीज। लैम्डा बाई 3 पाथ डिफरेंस अगर उस पॉइंट का है तो बताइए उस पॉइंट पर क्या बनेगा, मैक्सिमा की मिनिमा या न प्योर मैक्सिमा प्योर मिनिमा ना होगा तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, यही पूछा गया। ऑप्शन दे रहे हैं, पहला ऑप्शन आई नॉट ही होगा, दूसरा ऑप्शन आई नॉट बाई 2 होगा, तीसरा ऑप्शन आई नॉट बाई 4 होगा, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। आई नॉट तो सुप्रीमम इंटेंसिटी है, ऐसा नहीं कभी ऑप्शन दिया जाएगा 2 आई नॉट 3 आई नॉट, आई नॉट से ज़्यादा होता ही नहीं, अगर दिया जाए तो उस पर ध्यान ही नहीं देना है आपको। सोल्यूशन देखिए, क्या पता है उसी बात को नोट करिए, पाथ डिफरेंस दिया गया है यानी डेल्टा एक्स आपके लिए दे दिया गया लैम्डा बाई 3, ठीक है, और डेल्टा एक्स होता कितना है। अच्छा डेल्टा एक्स दिया गया है तो अच्छी बात है, अब आप फेज डिफरेंस निकालिए, विच इम्प्लाइज फेज डिफरेंस क्या लिख, फेज डिफरेंस होता है 2π बाई लैम्डा और इंटू डेल्टा एक्स,
देख रहे हैं ये फार्मूला फेज डिफरेंस का, क्योंकि आपको फाई चाहिए बस, आई नॉट दिया सेंट्रल, केवल फाई निकल जाए तो फट से फार्मूला आ जाएगा। तो फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 पाई बाई लैमडा और डेल्टा एक्स आपकी लैमडा बाई 3। फाई की वैल्यू क्या आ गई, 120 डिग्री, यानी 2 पाई बाई 3। सी ऑप्शन, ये फाई आ गया। अब फाई की वैल्यू जरा रखिए फार्मूले में, और आया भाई किसी का, देखिए नाउ इंटेंसिटी, अब इंटेंसिटी क्या लिख देंगे, यही तो फार्मूला है, आई नॉट और इनटू कॉस स्क्वायर एंगल फाई का आधा, 5/2। और जब आधा करेंगे हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई 3 है तो हाफ करेंगे 2 कट जाएगा, केवल पाई बाई 3 लिख दें, पाई बाई 3 मतलब 60, और 60 की वैल्यू क्या होती है जी, स्क्वायर भी तो है, आई नॉट और डिवाइडेड बाई 4। कौन सा ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन आपके लिए एकदम इसी पैटर्न पर, इफ सेंट्रल मैक्सिमा हैव इंटेंसिटी आई नॉट देन फाइंड आउट इंटेंसिटी वेयर डेल्टा एक्स इक्वल टू लैम्डा बाई 2, जहां पर पाथ डिफरेंस कितना है, वेवलेंथ का आधा है। आप समझे, आई नॉट, आई नॉट बाई 2, आई नॉट बाई 3, चौथा 0, 90 है, समझ बूझ के आंसर दीजिए। कंफर्म है, सोल्यूशन देखिए, डेल्टा एक्स आपको दिया गया है लैम्डा बाई 2, और फाई लिखना है तो फाई का क्या फार्मूला होता है, फाई फेज डिफरेंस 2 पाई बाई लैम्डा और इनटू डेल्टा एक्स, ये होता है 2 पाई बाई लैम्डा और डेल्टा एक्स है आपके लिए लैम्डा बाई 2, लैम्डा का निपटारा हुआ, 2 भी कट गया, क्या आया फाई, पाई, फाई के लिए पाई आ गई। नाउ इंटेंसिटी क्या लिख दें, आई नॉट और इनटू कॉस स्क्वायर एंगल का हाफ, एंगल आया पाई और उसका हाफ ही करना था, पाई बाई 2 लिख दें, और कॉस पाई बाई 2 और 0 अपने एरिया का महाबली के लिए, टोटल मल्टीप्लीकेशन भी 0 ही आएगा। कौन सा आंसर सही है, अब तो इस टाइप सवाल आपसे नहीं रुकेंगे, मान पाथ एक क्वेश्चन और दे दें क्या, इफ सेंट्रल मैक्सिमा चाहे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बोला जाए हैव इंटेंसिटी आई नॉट then find out intensity of the point on screen
वेयर एज डिफरेंस बी पाई बाई थ्री। ये क्वेश्चन देखते हैं कितने लोग लगा लेते हैं। चलिए इसका ऑप्शन नहीं देते हैं, दे दें, चलिए दे दे रहे हैं, लीजिए पहला ऑप्शन वही बोल दे रहे हैं, टू आई नॉट बाई थ्री बोले हैं, चलिए वही लिख दे रहे हैं, थ्री आई नॉट बाई। तीसरा ऑप्शन आई नॉट बाई थ्री। चौथा ऑप्शन जीरो। बी वाला थ्री आई नॉट बाई फोर कन्फर्म है, क्योंकि ये और आसान हो गया। इसे फाइव, आखिर आप डेल्टा एक्स से क्या निकालते थे, फाइव निकालने के बाद तभी तो कदम बढ़ाते थे, और यहाँ फाइव सीधे सीधे दिया है कि नहीं। आई नॉट कास स्क्वायर फाइव बाई टू होता, जो फाइव बाई टू फाइव बाई सिक्स हो जाए, फाइव बाई सिक्स में थर्टी, कास थर्टी वाली क्या होती है अंडर रूट थ्री बाई टू, लेकिन स्क्वायर भी तो करना है। समझ में आया कि नहीं, मैंने सवाल को एकदम उसी निगाह से मत देखे करे, तीन तीन चार चार लाइन का, उसमें देखिए कितने फायदे की बात कर दिया है, आपसे मेहनत कम करवाया जा रहा है, बीच का ही हल्का क्वेश्चन उससे बन गया है। क्या पता है जी, आज बड़े फायदे की बात हो गई, फाई डायरेक्ट दिया गया है, फाई बाई थ्री है, तो आप रखिए विच इम्प्लाइज, अब तो फाई तक ही हम लोग टारगेट था, क्योंकि आई की फार्मूला क्या था, आई नॉट कास स्क्वायर फाई बाई टू, तो फाई के लिए ही काम रुक रहा था, और फाई यहाँ सीधे मददगार हुआ है, सीधे हम लोग फाई की वैल्यू रख लें, आई इक्वल टू आई नॉट कास स्क्वायर, और बाई टू करेंगे तो नीचे टू आ जाएगा तो सिक्स हो जाएगा, फाइव बाई सिक्स मतलब थर्टी, मन में समझिए तभी काम भी बनेगा, कास थर्टी की वैल्यू अंडर रूट थ्री बाई टू, स्क्वायर है तो भूलिए नहीं जल्दबाजी में, थ्री आई नॉट और नीचे टू का भी स्क्वायर बाई फोर, कौन सा आंसर हुआ। काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन छोटे छोटे हैं लेकिन अच्छे थे, समझ में आ रहा है। हम आप लोगों को इसी तरह पर डे एकदम राइट टाइम पढ़ा करके सवा आठ से साढ़े आठ तक, लेटेस्ट साढ़े आठ तक छोड़ दिया करेंगे, सवा आठ से सवा आठ तक छोड़ देंगे या लेटेस्ट साढ़े आठ तक, कॉलेज अटेंड करना होता है हमको, तो आप लोगों क्लास इसी तरह से सवा आठ बजे तक चलेगी, आठ पंद्रह तक। ये नोट हुआ। अगला सवाल, नया क्वेश्चन, अंतिम सवाल है ये, इसको भी जरा समझने का प्रयास करिए, इधर का मटेरियल कर दें पूरा। इफ सेंट्रल bright fringe have intensity I naught
देन फाइंड आउट फाइंड आउट intensity at any point on the screen in YDSC. Which is at distance just half fringe width. From central, central maxima से कितनी distance पर है वो point? Half of fringe width पर. कितना घुमावदार इसमें है, इसी को पकड़ना है आप. क्या दिया जा रहा है? डेल्टा एक्स नहीं दिया गया आपकी बार, क्या दिया है? एक्स एन दिया गया है. और एक्शन कितना दिया गया है जी? W बाई टू. पहले सेंटेंस को पढ़ के वहां से फिल्टर करना सीखिए, फिर सवाल तो पक्का आएगा. अब देखिए एक्सएन की वैल्यू क्या रख दें, एक्सएन की वैल्यू क्या फार्मूला होता है एक्सएन ब्राइट फ्रिंज के लिए? एन लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल. और ये आ गया आपके लिए. नहीं अच्छा करिए, ऐसा करिए आप एक्सएन रहने ही दीजिए, क्योंकि एक्सएन रखने में बहुत झगड़ा हो सकता है, डिस्प्यूट हो जाएगा. कोई कहेगा सर ब्राइट वाला क्यों फार्मूला आप रख रहे हैं, डार्क वाला क्यों नहीं रख, समस्या होगी कि नहीं? आप एक्सएन को ऐसे एज इट इज एकदम यथावत बना रहने दीजिए. W की वैल्यू रखिए जिस पर कोई उंगली नहीं उठा पाए, लैम्डा कैपिटल डी वाई स्मॉल डी होता है. टू तो पहले से था इसलिए लिख दिया, बाकी W की वैल्यू लैम्डा कैपिटल डी वाई स्मॉल डी सही है. यहाँ से आप जरा D को इधर भेजिए, कैपिटल D को इधर ले आइए. स्मॉल D को इधर भेजेंगे तो एक्सएन इंटू डी हो जाएगा, और कैपिटल D को इधर भेजेंगे तब तो नीचे आ जाएगा. क्या आया? लैम्डा बाई, बोले भाई खाली डी और डी को ट्रांसफर किए हैं, कैपिटल डी स्मॉल डी इस तरफ ले आए, पुलिया पार कर, ये हो जाएगा. अब कोई बताए ये है क्या? बोलिए डेल्टा एक्स है, और डेल्टा एक्स लैम्डा बाई टू है तो फेज डिफरेंस मिल ही जाएगा. नाउ फेज डिफरेंस क्या लिख दें जी? वैसे ओरल बोलना हो तो जो पाई होगा, जो काम लैम्डा का होता है वही फेज में टू पाई, तो लैम्डा बाई टू है तो फेज में क्या आ जाएगा? पाई. या फार्मूला है आप पास, ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं, माथे की लकीरें एकदम सिकुड़ी सिकुड़ी हैं, तो ऐसे देखिए टू पाई बाई लैम्डा और इंटू डेल्टा एक्स, फार्मूला ही तो लगा लीजिए. वो तो समझा रहे थे जल्दी में, थोड़ा थे हम. हाथ से मार कर गिरने का मतलब है वो क्लास बहुत देर तक नहीं चल पाएगी, ये संकेत है. कलम ही भाग रही, बताइए क्या जाएगी? फाई इक्वल टू हो गया टू पाई बाई लैम्डा, और डेल्टा फाई कितना है जी? लैम्डा बाई टू. क्या आया फाई की वैल्यू? पाई. यही इसी के लिए इंतजार था, ये इस पर जरूर ब्रैकेट लगाए, लेकिन काम की चीज नहीं. काम की चीज ये है, सिंस पुराना फार्मूला जिंदाबाद, आई नॉट और कास स्क्वायर साइन स्क्वायर थोड़ी, फालतू मन मत सोचा करिए. आई नॉट कास स्क्वायर क्या हो जाएगा? अरे कोई फायदा नहीं. अरे फायदा क्या, जैसे आप टेस्ट करा रहे हैं ब्लड टेस्ट तो तमाम बीमारियां निकले तब पैसा वसूल. भाई टेस्ट कराने गए हैं, कुछ लोग कहते हैं जैसे कुछ नहीं, न तो टाइफाइड निकला न मलेरिया निकला, पूरा पैसा बेकार गया.
ये भी एक आंसर है, रिजल्ट है, जीरो, इसको भी एक्सेप्ट करिए। माता जी हमारी बहुत बीमार थी और कई दिन से परेशान थी। जब यहाँ जौनपुर में ले आए, जब दिखाया गया तो उनको कुछ समस्या थी, इको, एक इको होता है हार्ट के लिए, तो डॉक्टर साहब अपने चैम्बर में ही वो मशीन थी, इको उनका कर दिए, इको करने लगे। फिर जैसे इको किए वैसे धीरे से नीचे उतरी। हम कहा कुछ आराम हुआ माई? कहें कि कहत रहे ना शहर के डॉक्टर बड़वार डॉक्टर डॉक्टर ही होते, कहीं कि ना आराम हुए। मैंने अपने ही कहीं कहीं ना आराम हुए, मतलब उनको लगा कि इलाज तो हो गया हमारा। कुछ साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है ना, मैंने उनको लगा जैसे किसी की एक्सरे निकल जाए, समझिए पूरा दुख दर्द निकल गया है कि नहीं। ब्लड टेस्ट निकल, ब्लड टेस्ट हो जाए, समझिए मलेरिया वलेरिया वाला जो ब्लड था तो डॉक्टर सीरिंज में खींच के ले गए, अब बचा क्या कुछ। तो क्लास यहीं पर टर्मिनेट करती है, समय समाप्त हुआ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।